हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। आज के वीडियो में हम चैप्टर टू करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया कि चैप्टर टू है आज के वीडियो में हमारा, और चैप्टर का नाम जो है वो हमारा दी वोवल्स चैप्टर है और आपको पेज नंबर 12 पे मिलेगा फ्रेंड्स। और आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे फ्रेंड्स चैप्टर टू की, जिस एक्सरसाइज में आपको ये सारे वर्ड्स दिखेंगे। पेज नंबर 12 खोलेंगे आप तो आपको बुक के अंदर मिलेगी ये 5 नंबर एक्सरसाइज, उस पर सारे वर्ड्स दिए गए। इन वर्ड्स को आप, अब हम वन बाय वन करके आपको सिखाएंगे इजी से इजी तरीके से, जिससे आपके वोवल्स और क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। वैसे तो हमने वोवल्स भी कराए हैं बिल्कुल आसान से आसान तरीके से। अगर आपने हमारे वोवल्स के और कॉन्सोनेंट के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनसे आप और भी आसानी से वोवल्स सीख सकते हैं फ्रेंड्स। और आज भी हम आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से वोवल आपके क्लियर हो जाए आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो हम अपने आज के एग्जाम्पल का फर्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है पा। पा जो है फ्रेंड्स वो हमारा हैवी साउंडेड वोवल होता है, इसका साउंड बहुत हैवी निकलता है पा। तो आज का वर्ड हमारा है पा। पा वर्ड के अंदर हमारे फ्रेंड्स पी कॉन्सोनेंट है और ए से हमें पहचान पता चल रही है कि हमारा पा का वोवल आ रहा है, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है। तो हम पा के वोवल के लिए आउटलाइन हमने आपको बताया, अबव द लाइन आउटलाइन बनाते हैं। तो हम अबव द लाइन आउटलाइन बनाएंगे और हमने आपको बताया कि पहले हमें आउटलाइन बनानी होती है, उसके बाद ही हम वोवल प्लेस करते हैं कि हमारा कौन सा वोवल आ रहा है और कौन से प्लेस पे लगेगा। तो हम पा की आउटलाइन, पी की आउटलाइन बनाएंगे क्योंकि हमारा पी कॉन्सोनेंट आ रहा है, सिंगल कॉन्सोनेंट है। और अबव द लाइन आउटलाइन बनाएंगे क्योंकि हमारा पा का वोवल आ रहा है। तो हम पी की आउटलाइन बनाएंगे, ये हमने पी की आउटलाइन बनाई है फ्रेंड्स। और वोवल हमारा पी के बाद में आ रहा है और पा के वोवल का जो साइन होता है वो डार्क डॉट लगता है, फर्स्ट प्लेस पे लगता है। तो हम फर्स्ट प्लेस पे पी के बाद डॉट लगाएंगे, डार्क डॉट। तो ये हमने डार्क डॉट लगाया, हमने डार्क डॉट लगाया फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो प और फिर साउंड पढ़ेंगे आ, तो ये वर्ड हो गया हमारा पा। ठीक है फ्रेंड्स, हैवी साउंड वोवल है इसमें हमारा। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है पाम। पाम वर्ड के अंदर हमारे फ्रेंड्स पी कॉन्सोनेंट आ रहा है और एम कॉन्सोनेंट आ रहा है और ए एल से हमें पा के, ए से हमें पा की पहचान, वॉल की पहचान हो रही है और एल इसमें हमारा साइलेंट रहता है फ्रेंड्स। तो इस वर्ड को हम पढ़ते हैं पाम। तो इसमें हम दो कॉन्सोनेंट बनाएंगे, पी कॉन्सोनेंट बनाएंगे और एम कॉन्सोनेंट बनाएंगे। और पा के वोवल के लिए हम आउटलाइन अबव द लाइन बताइए हमने आपको कि लाइन से ऊपर बनती है, तो हम लाइन से ऊपर बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो हम पी की आउटलाइन बनाएंगे और एम की आउटलाइन बनाएंगे। ये हमने पी की आउटलाइन बनाई है फ्रेंड्स और ये एम की आउटलाइन बनाई है क्योंकि हमारे दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं और पा का वोवल आ रहा है, तो इसलिए अबव द लाइन आउटलाइन बनाइए। और वोवल हमारा पी के बाद में आ रहा है तो पी के बाद में हम फर्स्ट प्लेस पे वोवल लगाएंगे डार्क डॉट, क्योंकि इसका जो साइन लगता है पा के वोवल का वो डार्क डॉट लगता है। तो प फिर आ फिर म, तो ये वर्ड हो गया हमारा पाम। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सेम ही वर्ड है फ्रेंड्स बाम। बाम वर्ड में भी हमारे दो कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, ए से हमें पा के वोवल की पहचान पता चल रही है और एल इसमें भी हमारा साइलेंट रहेगा। तो इस वर्ड को हम पढ़ते हैं बाम, हैवी साउंड निकलेगा फ्रेंड्स क्योंकि पा का वोवल आ रहा है। और पा के वोवल के लिए आउटलाइन हमने आपको बताया अबव द लाइन बनेगी, तो हम अबव द लाइन बी और एम की आउटलाइन बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, पी हमारा लाइट होता है और इस वर्ड के अंदर हमारा बी आ रहा है, तो बी हमारा कॉन्सोनेंट जो होता है वो डार्क कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बी की आउटलाइन बनाएंगे और एम की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बी की आउटलाइन बनाइए, एम की आउटलाइन बनाइए। बी हमारा डार्क होता है फ्रेंड्स और एम जो होता है वो हमारा लाइट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी के बाद में वो आ रहा है, पा का साउंड जो है वो बाद में आ रहा है, तो हम बाद में डार्क डॉट लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पे क्योंकि हमारे फर्स्ट प्लेस का वोवल है। तो ब फिर आ फिर म, तो ये वर्ड हो गया हमारा बाम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अच्छे से ध्यान देके सीखिए तो आपके वोवल्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि शॉर्ट हैंड में जो होता है वोवल और कॉन्सोनेंट वही दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वर्ड बनाने के लिए, तो इसलिए हम चाहते हैं आपके वोवल्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फार्म। ये भी हैवी साउंडेड वोवल है, पा का वोवल आ रहा है इसमें भी, एफ आर और एम तीन कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स इसके अंदर, और ए से हमें पहचान पता चल रही है कि हमारा पा का वोवल आ रहा है इसमें भी। तो पा के वोवल के लिए हमने आउटलाइन आपको बताइए अबव द लाइन बनेगी, लाइन से ऊपर बनेगी, और फर्स्ट प्लेस का हमारा वोवल है पा का वोवल, तो इसमें कॉन्सोनेंट तीन है एफ आर और एम, तो इसमें हम तीन कॉन्सोनेंट बनाएंगे। पहली आउटलाइन जो होती है वो हम वोवल के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि हमारा वोवल कौन सा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आउटलाइन बनाते हैं। तो हमारा पहला पा का वोवल आ रहा है तो पा के वोवल के लिए एफ की आउटलाइन हम अबव द लाइन बनाएंगे, तो एफ आर और एम, ये हमने तीन कॉन्सोनेंट बनाए एफ आर और एम। ठीक है फ्रेंड्स, अब वोवल हमारा एफ के बाद में आ रहा है फ्रेंड्स, पा का साउंड, तो
एफ के बाद में हम फर्स्ट प्लेस पे डार्क डॉट लगाएंगे, पार्क एवोल का जो साइन होता है वो डार्क डॉट लगता है, तो हम फर्स्ट प्लेस पे डार्क डॉट लगाएंगे। तो ये हमने एफ के बाद में फर्स्ट प्लेस पे डार्क डॉट लगाया फ्रेंड, तो फ आ र और म, तो ये वर्ड हो गया हमारा फार्म। हैवी साउंड वोवल है फ्रेंड्स इसके अंदर, तो फार्म, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा शा, शा, शा में हमारा इश कॉन्सोनेंट है और ए एच आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स ए एच से हमें, हमने आपको बताया था कि वर्ड के अंदर ए एच आएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा पा का वोवल आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इश कॉन्सोनेंट है इसमें, सिंगल कॉन्सोनेंट है हमारा, तो इश कॉन्सोनेंट हम अबव द लाइन बनाएंगे क्योंकि पा का वोवल आ रहा है, पा के वोवल के लिए आउटलाइन अबव द लाइन बनती है, तो हम इश की आउटलाइन बनाएंगे। ये हमने इश की आउटलाइन बनाई है फ्रेंड्स, और वोवल हमारा इश के बाद में आ रहा है, तो इसके बाद में हम वोवल लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पे डार्क डॉट, क्योंकि हमारा पा का वोवल आ रहा है, ए एच से हमें पा के वोवल की पहचान पता चलती है, तो हम फर्स्ट प्लेस पे डार्क डॉट लगाएंगे। तो श, इससे हम श पढ़ेंगे श, फिर आ, तो ये वर्ड हो गया हमारा शाह, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है पे, पे वर्ड के अंदर देखिए पी कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स हमारा और ए वाई आ रहा है, ए वाई से हमने आपको बताया था कि ए वाई आएगा वर्ड के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि हमारा मे का वोवल आ रहा हैवी साउंडेड वोवल है मे का वोवल, तो पी कॉन्सोनेंट आ रहा है इसमें, और मे के वोवल के लिए आउटलाइन हमने आपको बताया था कि ऑन द लाइन आउटलाइन बनती है, लाइन पर बनती है, लाइन को टच करती है, तो हम पी की आउटलाइन बनाएंगे और ए वाई से हमारे वोवल के पता चल रही है हमें कि मे का वोवल आ रहा है इसमें, तो हम ऑन द लाइन पी की आउटलाइन बनाएंगे। तो ये हमने पी की आउटलाइन बनाई फ्रेंड्स, और वोवल हमारा पी के बाद में आ रहा है साउंड, तो पी के बाद में हमारा मे का वोवल जो है वो सेकंड प्लेस पे लगता है और डार्क डॉट लगता है, तो हम सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो प फिर ए, तो ये वर्ड हो गया हमारा पे, ठीक है फ्रेंड्स, हैवी साउंडेड वोवल है हमारा। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेड, पेड वर्ड के अंदर पी कॉन्सोनेंट है और डी कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट है हमारे, पी कॉन्सोनेंट है और डी कॉन्सोनेंट है, और देखिए फ्रेंड्स बीच में ए आई आ रहा है, ए आई से हमने आपको बताया था कि मे के वोवल की पहचान होती है, तो इसमें मे का वोवल आ रहा है फ्रेंड्स, तो मे के वोवल के लिए आउटलाइन ऑन द लाइन बनती है, हमने आपको बताया, तो हम ऑन द लाइन आउटलाइन बनाएंगे, हमने आपको बताया पहले आउटलाइन बनाते हैं हम, उसके बाद ही वोवल प्लेस करते हैं, और पहला वोवल जो सा आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम आउटलाइन बनाते हैं, तो पहला वोवल हमारा मे का ही आ रहा है, तो मे के अकॉर्डिंग हमने आउटलाइन ऑन द लाइन बनाएंगे, तो ऑन द लाइन पी की आउटलाइन बनाएंगे और डी की आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा पी है और ये हमारा डी कॉन्सोनेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, पी हमारा लाइट होता है और डी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट होता है। अब पी के बाद में वो साउंड आ रहा है मे के वोवल का ए, तो पी के बाद में हम सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट लगाएंगे, ये हमने डार्क डॉट लगाया फ्रेंड्स, मे भी आपको दिखाई ना दे मगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, हमने डार्क डॉट लगाया। आपको लाइट और डार्क का भी विशेष ध्यान रखना है, मैंने आपको हर वीडियोस में बताया कि लाइट और डार्क का ध्यान रखना है, कहाँ पे हमारा डार्क लगेगा और कहाँ पे हमारा लाइट डॉट लगेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लाइट आउटलाइन कहाँ बनेगी और डार्क आउटलाइन कहाँ बनेगी, उस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो प, फिर साउंड पढ़ेंगे ए, फिर ड, तो ये वर्ड हो गया हमारा पेड, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है इसके अंदर मे का, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेल, पेल वर्ड के अंदर भी हमारे दो कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है और एल कॉन्सोनेंट है, और इसमें बीच में ए आ रहा है और लास्ट में ई आ रहा है फ्रेंड्स, तो मे के वोवल की पहचान है, हमने आपको बताया था बीच में ए आएगा और लास्ट में ई आएगा, तो हमारे मे के वोवल की पहचान है, तो पी और एल दो हमने आपको इसमें कॉन्सोनेंट बताया, आप देखें यहाँ पे बोर्ड पे अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो पी और एल की कॉन्सोनेंट बनाएंगे हम, मे का वोवल है तो ऑन द लाइन आउटलाइन हमने आपको बताया, हम ऑन द लाइन आउटलाइन बनाएंगे, तो पी की आउटलाइन बनाएंगे और एल की आउटलाइन बनाएंगे, तो ये हमने पी की आउटलाइन बनाई है फ्रेंड्स, ये एल की आउटलाइन बनाई है, और वोवल हमारा पी के बाद में आ रहा है, मे का वोवल जो है पी के बाद में आ रहा है, तो पी के बाद में हम सेकंड प्लेस पे लगाएंगे, अगर वोवल हमारा पहले आता तो हम वोवल पहले लगाते पी से, अभी वोवल हमारा पी के बाद में आ रहा है तो हम वोवल पी के बाद में लगाएंगे सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट, क्योंकि मे के वोवल का जो साइन होता है वो हमारा डार्क डॉट लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प, फिर ए, फिर ल, तो ये वर्ड हो गया हमारा पेल, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेल, बेल वर्ड में हमारे दो कॉन्सोनेंट है, सेम ही वर्ड है फ्रेंड्स, इसमें बी आ रहा है और इसमें पी कॉन्सोनेंट आ रहा है, पी हमारा लाइट होता है हमने आपको बताया, और बी कॉन्सोनेंट जो है वो हमारा डार्क कॉन्सोनेंट होता है, तो ये बी आ रहा है इसमें और एल कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसमें भी बीच में ए आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है, तो हमारे मे के वोवल की पहचान है, हमने आपको बताया वोवल्स के अंदर, तो अब हम बी और एल की कॉन्सोनेंट बनाएंगे ऑन द लाइन, क्योंकि मे के वोवल के लिए जो आउटलाइन होती है वो ऑन द लाइन बनती है, तो हम बी और एल की आउटलाइन बनाएंगे, बी और एल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वर्ड बी और एल दो कॉन्सोनेंट बनाए हमने, दो कॉन्सोनेंट आ रहा है इसमें, और वोवल हमारा बी के बाद में आ रहा है साउंड मे का, तो मे का साउंड हम सेकंड प्लेस पे लगाएंगे डार्क डॉट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ब, फिर
तो ये वर्ड हो गया बेल। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा पढ़ा, ब ए और ल, तो ये वर्ड हो गया हमारा बेल। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेक। बेक वर्ड में हमारा बी कॉन्सोनेंट है और के कॉन्सोनेंट है और ए ए आ रहा है बीच में और लास्ट में ई आ रहा है। तो हमने आपको बताया मे के वोवल की पहचान है, इसमें भी हमारा मे का वोवल आ रहा है फ्रेंड्स, तो आउटलाइन हमारी ऑन द लाइन बनेगी। तो हम बी की आउटलाइन बनाएंगे और के की आउटलाइन बनाएंगे क्योंकि हमारे दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, के आ रहा है तो के हमारी हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है, तो वो हमारी, हमने आपको बताया कि जब हमारी के की आउटलाइन आती है वो हमारी ऑन द लाइन बनती है, लाइन पर ही बनती है। तो हम बी की आउटलाइन बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग और के की आउटलाइन बनाएंगे। तो बी की आउटलाइन बनाते हैं हम और ये हमने के की आउटलाइन हमने लाइन पर बनाई है। शायद आपको दिखाई ना दे मगर आप पूरा अच्छे से कोशिश करेंगे, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, देखेंगे अच्छे से तो आपको इजी तरीके से दिख जाएगा और समझ में भी आएगा आपको। और मैं बता भी रही हूँ इसीलिए कि बी की आउटलाइन बनाई है और के की हमने ऑन द लाइन आउटलाइन बनाई है क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है। और इसमें बी के बाद में साउंड आ रहा है मे के वोवल का साउंड, तो बी के बाद में हम सेकेंड प्लेस पे वोवल लगाएंगे डार्क डॉट, तो ये हमने डार्क डॉट लगाया। तो ब फिर ए फिर क, तो ये वर्ड हो गया हमारा बेक। हैवी साउंडेड वोवल है, इसमें मे का वोवल आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी से इजी तरीके से वोवल्स सिखा सकूँ और अच्छे से आप ये एग्जांपल्स को भी पिक कर सकें। और आपके कोई भी अगर डाउट्स रह जाएंगे इस वीडियो के अंदर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपके प्रॉब्लम का सलूशन भी करेंगे हम। तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए क्योंकि हम अभी एग्जाम्पल्स पर ध्यान दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी। बी वर्ड में हमारा बी कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बी कॉन्सोनेंट है और डबल ई आ रहा है इस वर्ड के अंदर, तो डबल ई से हमने आपको बताया था वी का वोवल आता है, हैवी साउंडेड वोवल आता है, तो वी का वोवल आ रहा है इसके अंदर। तो बी वर्ड है ये, तो बी की आउटलाइन बनाएंगे थ्रू दी लाइन। हमने थर्ड प्लेस का वोवल जब आता है तो हमारी आउटलाइन थ्रू दी लाइन बनती है, तो हम बी की आउटलाइन को रूल के अकॉर्डिंग थ्रू दी लाइन बनाएंगे। तो ये हमने बी की आउटलाइन बनाई है फ्रेंड्स। अब वोवल हमारा बी के बाद में आ रहा है, साउंड जो है बी के बाद में आ रहा है, तो बी के बाद में हम थर्ड प्लेस पे वोवल लगाएंगे डार्क डॉट। बी के वोवल का जो साइन हमने आपको बताया है वोवल्स के अंदर वो डार्क डॉट बताया, तो इसलिए हम डार्क डॉट लगाएंगे थर्ड प्लेस पे। तो ये हमने डार्क डॉट लगाया फ्रेंड्स थर्ड प्लेस पे। ब ई, तो ये वर्ड हो गया हमारा बी। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा टी। टी वर्ड के अंदर भी हमारा टी कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स और ई ऐसे हमें वी के वोवल की पहचान पता चल रही है, तो हम टी की आउटलाइन थ्रू दी लाइन बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग क्योंकि हमारे वी के वोवल के लिए आउटलाइन जो होती है वो थ्रू दी लाइन बनती है, तो हम थ्रू दी लाइन टी की आउटलाइन बनाएंगे। तो ये हमने टी की आउटलाइन बनाई फ्रेंड्स, और वोवल हमारा टी के बाद में आ रहा है, साउंड बाद में आ रहा है, तो टी के बाद में थर्ड प्लेस पे डार्क डॉट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लाइट और डार्क का आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर लाइट डार्क का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप सही अच्छा सही से करें तो सही सीखें, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लाइट और डार्क का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो ट फिर ई का साउंड पढ़ेंगे, तो ये वर्ड हो गया टी। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा डी। डी वर्ड के अंदर भी हमारा देखिए डी कॉन्सोनेंट आ रहा है और डबल ई से हमें पहचान पता चल रही है कि हमारा वी का वोवल आ रहा है और वी के वोवल के लिए हमारी जो आउटलाइन होती है वो थ्रू दी लाइन बनती है रूल के अकॉर्डिंग, तो हम डी की आउटलाइन थ्रू दी लाइन बनाएंगे। तो हम डी की आउटलाइन बनाते हैं, तो ये हमने डी की आउटलाइन बनाई फ्रेंड्स, और वोवल हमारा डी के बाद में आ रहा है, तो वोवल हम डी के बाद में थर्ड प्लेस पे लगाएंगे डार्क डॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने डार्क डॉट लगाया, आप ध्यान से देखिएगा आपको दिख जाएगा, ये हमने डी की आउटलाइन बनाई है फ्रेंड्स, उसके बाद वोवल लगाया क्योंकि वोवल जो है वो हमारा डी के बाद में आ रहा है और हैवी साउंडेड वोवल है, वी का वोवल है, तो वी के वोवल के लिए डार्क डॉट लगता है, तो हमने डार्क डॉट लगाया। तो ड फिर ई, तो ये वर्ड हो गया डी। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है जी। जी वर्ड के अंदर हमारा जे कॉन्सोनेंट बनेगा जो कि हमने आपको सिखाया है, और अगर आपने हमारे कॉन्सोनेंट के वीडियोस भी नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देखिए, उनसे आप आसानी से कॉन्सोनेंट सीख सकते हैं। तो हम अब यहाँ पे जी जे की आउटलाइन बनाएंगे, जी वर्ड है हमारा और पीछे डबल ई आ रहा है, डबल ई से हमें पहचान पता चल रही है कि हमारा वी का वोवल आ रहा है, तो हम आउटलाइन थ्रू दी लाइन बनाएंगे, तो जी की आउटलाइन बनाएंगे हम, जे कॉन्सोनेंट बनाएंगे, तो हमने जे कॉन्सोनेंट बनाया है फ्रेंड्स, और वोवल हमारा जी के बाद में आ रहा है, तो जी के बाद में थर्ड प्लेस का वोवल है हमारा, तो थर्ड प्लेस पे डार्क डॉट लगाएंगे। तो ये हमने डार्क डॉट लगाया फ्रेंड्स, ये हमने डार्क डॉट लगाया, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा अच्छे से। तो ज फिर ई, तो ये वर्ड हो गया जी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है फी। नेक्स्ट वर्ड हमारा फी। फी वर्ड में हमारा एफ कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स, और डबल ई से आपको पहचान पता चल रही है कि हमारा वी का वोवल आ रहा है, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है, तो
तो एफ के आउटलाइन हम थ्रू दी लाइन बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो रूल के अकॉर्डिंग हम एफ के आउटलाइन बनाएंगे। तो ये हमने एफ के आउटलाइन बनाई है फ्रेंड्स, और एफ हमारी कर्व्ड आउटलाइन है। एफ का पहला है और बाद में कौन सा होता है, ये हमारा एफ का पहला है और ये हमारा एफ के बाद में है। तो एफ के बाद में हमारा वोवल आ रहा है, वी का वोवल साउंड जो है, तो हम एफ के बाद में थर्ड प्लेस पे वोवल लगाएंगे क्योंकि हमारा थर्ड प्लेस का वोवल है वी का वोवल। तो हम थर्ड प्लेस पे डार्क डॉट लगाएंगे क्योंकि जो वी के वोवल का जो साइन होता है वो हमारा डार्क डॉट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वर्ड हो गया फा, फिर ई, तो ये वर्ड हो गया हमारा फी, हैवी साउंडेड वोवल है इसके अंदर, तो ये वर्ड हो गया हमारा फी। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉ, हैवी साउंड है, फी कॉन्सोनेंट आ रहा है और ए डब्ल्यू आप देख रहे हैं वर्ड के अंदर, तो ए डब्ल्यू से हमें पहचान पता चल रही है कि हमारा ऑल का वोवल आ रहा है, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है। तो ऑल के वोवल के लिए हमने आपको बताया कि ऑल के वोवल के लिए जो आउटलाइन होती है वो हमारे लाइन से ऊपर बनती है, अबव द लाइन आउटलाइन बनती है, और इसमें पी कॉन्सोनेंट आ रहा है, सिंगल कॉन्सोनेंट है हमारा, तो पी के आउटलाइन हम रूल के अकॉर्डिंग अबव द लाइन बनाएंगे। तो हम पी के आउटलाइन बनाएंगे फ्रेंड्स, तो ये हमने पी के आउटलाइन बनाई है फ्रेंड्स, अबव द लाइन बनाई, लाइन से ऊपर बनाई है फ्रेंड्स। अब वोवल हमारा पी के बाद में आ रहा है, साउंड जो है अ का साउंड जो है वो पी के बाद में आ रहा है, और ए ऑल के वोवल का जो साइन होता है वो हमारा डार्क डैश लगता है, फर्स्ट प्लेस पे लगेगा, तो ये हमने फर्स्ट प्लेस पे डार्क डैश लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल के वोवल का जो साइन होता है वो डार्क डैश लगता है, तो हमने फर्स्ट प्लेस पे डार्क डैश लगाया। तो ये वर्ड हो गया प, फिर साउंड पड़ेंगे अ, तो ये वर्ड हो गया प, हैवी साउंडेड वोवल है फ्रेंड्स। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से सीखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको इजी से इजी तरीके से समझाने की, आप ध्यान दीजिए बोर्ड के ऊपर। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉल, ये वर्ड भी हमारा, इसमें भी देखिए पी कॉन्सोनेंट आ रहा है फ्रेंड्स और एल कॉन्सोनेंट आ रहा है और बीच में ए डब्ल्यू आ रहा है, ए डब्ल्यू से हमें पता चल रहा है कि ऑल का वोवल आ रहा है, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है। तो अब दो कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है और एल कॉन्सोनेंट है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम अबव द लाइन आउटलाइन बनाएंगे क्योंकि ऑल के वोवल के लिए आउटलाइन अबव द लाइन बनती है, तो हम अबव द लाइन आउटलाइन बनाएंगे पी और एल की, तो पी और एल। ठीक है फ्रेंड्स, दो कॉन्सोनेंट बनाए, पी कॉन्सोनेंट बनाया और एल कॉन्सोनेंट बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब वोवल हमारा पी के बाद में आ रहा है साउंड जो है, तो पी के बाद में हम फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे क्योंकि ऑल का वोवल जो है वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे लगता है, डार्क डैश लगता है, तो हम फर्स्ट प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प, फिर साउंड पड़ेंगे आ, फिर ल, तो ये वर्ड हो गया हमारा पॉल। ठीक है फ्रेंड्स, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है इसके अंदर, तो ये वर्ड हो गया पॉल। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉल, टॉल वर्ड के अंदर हमारा टी कॉन्सोनेंट आ रहा है, एल कॉन्सोनेंट आ रहा है और ए एल से पता चल रहा है हमारा कि ऑल का वोवल आ रहा है, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है इसके अंदर भी, तो रूल के अकॉर्डिंग आउटलाइन बनेगी इसके अंदर भी, अबव द लाइन आउटलाइन बनाएंगे, तो टी की आउटलाइन बनाएंगे और एल की आउटलाइन बनाएंगे, दो कॉन्सोनेंट है हमारे, तो हम आउटलाइन बनाते हैं टी और एल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने टी की आउटलाइन बनाई और एल की आउटलाइन बनाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब वोवल हमारा टी के बाद में आ रहा है, तो टी के बाद में हम फर्स्ट प्लेस का वोवल है हमारा ऑल का वोवल, डार्क डैश लगाएंगे, तो फर्स्ट प्लेस पे हमने डार्क डैश लगाया, तो ट, फिर अ, फिर ल, तो ये वर्ड हो गया हमारा टॉल। ठीक है फ्रेंड्स, हैवी साउंडेड वोवल है। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है चौक, चौक वर्ड में भी हमारा चे कॉन्सोनेंट है और के कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट है और ए एल से हमें पता चल रहा है कि ऑल का वोवल आ रहा है, और ऑल के वोवल के लिए हमने आपको बताया कि आउटलाइन अबव द लाइन बनेगी, लाइन से ऊपर बनाएंगे आप, तो हम लाइन से ऊपर आउटलाइन बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो हम चे की आउटलाइन बनाएंगे और के की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा चे कॉन्सोनेंट है और ये के कॉन्सोनेंट है, अबव द लाइन हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमारा ऑल का वोवल आ रहा है, इसलिए ऑल के वोवल के लिए आउटलाइन जो होती है वो अबव द लाइन बनती है। और वोवल हमारा चे के बाद में आ रहा है, तो चे के बाद में हम फर्स्ट प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे क्योंकि ऑल के वोवल का जो साइन होता है वो डार्क डैश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने डार्क डैश लगाया, शायद आपको दिखाई ना दे मगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो च, फिर साउंड पड़ेंगे अ और फिर क, तो ये वर्ड हो गया हमारा चौक। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है थर्ड, थर्ड वर्ड में भी हमारा इथ कॉन्सोनेंट बनेगा और डी कॉन्सोनेंट बनेंगे, दो कॉन्सोनेंट है, इथ कॉन्सोनेंट है और डी कॉन्सोनेंट है और ए डब्ल्यू से हमें ऑल के वोवल की पहचान पता चल रही है, तो ऑल के वोवल के लिए आउटलाइन हमने आपको बताया अबव द लाइन बनेगी, तो हम इथ की आउटलाइन बनाएंगे और डी की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने इथ की आउटलाइन बनाई और डी की आउटलाइन बनाई है। अब वोवल हमारा इथ के बाद में आ रहा है, तो फर्स्ट प्लेस का हमारा वोवल है ऑल का वोवल, तो फर्स्ट प्लेस पे हम डार्क डैश लगाएंगे इथ के बाद में, तो ये हमने डार्क डैश लगाया, तो ये इथ से हम था पढ़ेंगे, था, फिर साउंड पढ़ेंगे अ, फिर ड, तो ये वर्ड हो गया हमारा थर्ड, हैवी साउंडेड वोवल है थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है डो, डो वर्ड के अंदर हमारा सिंगल कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है और ओ यू से आपको पहचान पता चल रही है कि हमारा गो का वोवल आ रहा हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है, तो हम डी के आउटलाइन ऑन द लाइन बनाएंगे क्योंकि गो के वोवल के लिए हमने आपको बताया कि आउटलाइन जो होती है वो ऑन द लाइन बनती है, तो हम डी के आउटलाइन ऑन द लाइन बनाएंगे, तो हम ऑन द लाइन डी के आउटलाइन बनाते हैं।
सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी टेढ़ी हो गई, ये हमने डी के आउटलाइन बनाए ऑन द लाइन फ्रेंड्स। अब ओवल हम सेकंड प्लेस पे लगाएं क्योंकि गो के ओवल का जो साइन होता है वो सेकंड प्लेस पे लगता है डार्क डैश, तो हम सेकंड प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे। तो ये वर्ड हो गया हमारा ड, फिर साउंड पढ़ेंगे ओ, तो ये वर्ड हो गया डो, हैवी साउंडेड ओवल, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोर, डोर वर्ड के अंदर हमारा डी कॉन्सोनेंट है और आर कॉन्सोनेंट है, और डबल ओ से हमें पहचान पता चल रही कि हमारा गो का ओवल आ रहा है, हैवी साउंडेड ओवल है। इसमें भी फ्रेंड्स ऑन द लाइन आउटलाइन बनाइए क्योंकि गो के ओवल के लिए जो आउटलाइन होती है वो हमारी ऑन द लाइन बनती है, तो डी और आर की आउटलाइन बनाएंगे हम, डी और आर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ओवल हमारा सेकंड प्लेस पे लगेगा क्योंकि गो का ओवल का जो साइन होता है वो सेकंड प्लेस पे लगता है डार्क डैश, तो हम डार्क डैश लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लाइट और डार्क का आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ड, फिर साउंड पढ़ेंगे ओ, फिर र, तो ये वर्ड हो गया हमारा डोर, हैवी साउंडेड ओवल है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोम, डोम वर्ड में हमारे दो कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है और एम कॉन्सोनेंट है, और ओ आ रहा है बीच में और लास्ट में ई आ रहा है, तो ये हमारे गो के बोल की हमने आपको पहचान बताई थी कि ओ आएगा बीच में और लास्ट में ई आएगा, तो हमारे गो का बोल की पहचान है। तो डी और एम की आउटलाइन बनाएंगे हम ऑन द लाइन क्योंकि गो के बोल के लिए आउटलाइन हमने आपको बताया ऑन द लाइन बनेगी, तो हम ऑन द लाइन आउटलाइन बनाएंगे। डी और एम की आउटलाइन हमने बनाई फ्रेंड्स। अब ओवल हमारा सेकंड प्लेस पे लगेगा क्योंकि डी के बाद में आ रहा है ओवल, और डार्क डैश लगाएंगे क्योंकि गो के ओवल का जो साइन है वो डार्क डैश लगता है, तो हमने सेकंड प्लेस पे डार्क डैश लगाया। तो ड, फिर साउंड पढ़ेंगे ओ, फिर म, तो ये वर्ड हो गया हमारा डोम, हैवी साउंडेड ओवल, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है शोर, शोर में हमारा इश कॉन्सोनेंट है और आर कॉन्सोनेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। और ओ और ई आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है, बीच में ओ आ रहा है, तो हमारे गो के ओवल की पहचान है, तो ऑन द लाइन हम आउटलाइन बनाएंगे, रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया, तो रूल के अकॉर्डिंग हम इश की आउटलाइन बनाएंगे, तो ये हमने इश की आउटलाइन बनाई और आर की आउटलाइन बनाई, ठीक है फ्रेंड्स। और वोवल हमारा इश के बाद में आ रहा है, गो का साउंड जो है वो इश के बाद में आ रहा है, तो इश के बाद में हम सेकंड प्लेस पे वोवल लगाएंगे डार्क डैश, ठीक है फ्रेंड्स। तो इश से हम श, फिर साउंड पढ़ेंगे ओ, फिर र, तो ये वर्ड हो गया हमारा शोर, हैवी साउंडेड वर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोर, बोर वर्ड में हमारा बी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, और बीच में देखिए ओ आ रहा है और लास्ट में ई आ रहा है, तो ये हमारा गो के वोवल की पहचान है फ्रेंड्स। तो बी और आर दो कॉन्सोनेंट बनाएंगे हम, तो बी की आउटलाइन ऑन द लाइन बनाएंगे क्योंकि गो के वोवल के लिए आउटलाइन हमने आपको बताया ऑन द लाइन बनेगी, तो बी और आर की आउटलाइन बनाएंगे हम, तो बी और आर की हमने आउटलाइन बनाई है फ्रेंड्स। अब वोवल हमारा बी के बाद में आ रहा है और सेकंड प्लेस का वोवल है हमारा गो का वोवल, डार्क डैश लगेगा, तो हम सेकंड प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ब, फिर साउंड पढ़ेंगे ओ, फिर र, तो ये वर्ड हो गया हमारा बोर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से और इजी वे में आपको मैं समझा सकूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, एग्जाम्पल्स की तरफ, ताकि आपके वोवल्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स चू, चू वर्ड हमारा हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है, टू का वोवल आ रहा है, इसके अंदर चे कॉन्सोनेंट आ रहा है हमारा, और ई डब्ल्यू से हमें टू के वोवल की पहचान पता चल रही है, हमने आपको वोवल्स के अंदर बताया था फ्रेंड्स। तो हमारा चे सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा है इसमें और ई डब्ल्यू से हमारे टू के वोवल की पहचान पता चल रही है, तो टू के वोवल के लिए हमने बताया आपको आउटलाइन थ्रू दी लाइन बनती है, थर्ड प्लेस का वोवल है टू का वोवल हमारा, तो हम थ्रू दी लाइन आउटलाइन बनाएंगे चे की, ठीक है फ्रेंड्स। हमने चे की आउटलाइन बनाई है, चे हमारा लाइट होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, हमने चे बनाया है कॉन्सोनेंट और चे के बाद वोवल आ रहा है, तो हम चे के बाद में थर्ड प्लेस पे वोवल लगाएंगे क्योंकि टू का वोवल हमारा थर्ड प्लेस का वोवल है और डार्क डैश लगता है, तो थर्ड प्लेस पे हम डार्क डैश लगाएंगे। तो च, फिर साउंड पढ़ेंगे ऊ, तो ये वर्ड हो गया हमारा चू, हैवी साउंडेड वोवल है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है शू, शू वर्ड के अंदर हमारा इश कॉन्सोनेंट है, सिंगल कॉन्सोनेंट है और ओ ई से हमें टू के वोवल की पहचान पता चल रही है, तो इसके लिए भी आउटलाइन थ्रू दी लाइन बनेगी, रूल के अकॉर्डिंग आउटलाइन बनाएंगे, तो रूल के अकॉर्डिंग हम थ्रू दी लाइन आउटलाइन बनाएंगे इश की, तो ये हमने इश की आउटलाइन बनाई फ्रेंड्स। अब वोवल इश के बाद में आ रहा है, तो इश के बाद में हम थर्ड प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे क्योंकि डार्क डैश लगेगा टू के वोवल का साइन, तो ये हमने डार्क डैश लगाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो श, फिर ऊ, तो ये वर्ड हो गया हमारा शू, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है लू, लू वर्ड के अंदर हमारा एल कॉन्सोनेंट है और आई ई यू हमने आपको बताया था वोवल वर्ड के अंदर आएगा, ये पहचान आएगी तो आपको पता चलेगा टू का वोवल आ रहा है, हैवी साउंडेड, तो इसमें सिंगल कॉन्सोनेंट है एल और आई यू से हमें टू के वोवल की पहचान पता चल रही है, तो हम थ्रू दी लाइन आउटलाइन बनाएंगे, तो हम थ्रू दी लाइन एल की आउटलाइन बनाएंगे, ये हमने एल की आउटलाइन बनाई है थ्रू दी लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। और वोवल हमारा एल के बाद में आ रहा है, तो हम एल के बाद में वोवल लगाएंगे, तो हम एल के बाद में थर्ड प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये वर्ड हो गया हमारा लव, फिर साउंड पढ़ेंगे ऊ तो ये वर्ड हो गया हमारा लू, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है रू, रू वर्ड के अंदर भी हमारा आर कॉन्सोनेंट है और यू ई से हमें टू के वोवल की पहचान पता चल रही है। और हम आउटलाइन टू के वोवल के लिए हमने आपको बताया थ्रू दी लाइन आउटलाइन बनती है, तो हम थ्रू दी लाइन रे की आउटलाइन बनाएंगे, तो ये हमने रे की आउटलाइन बनाई है। और वोवल हमारा आर के बाद में आ रहा है, तो आर के बाद में हम थर्ड प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने डार्क डैश लगाया, तो र फिर साउंड पढ़ेंगे ऊ तो ये वर्ड होगा हमारा रू, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से हमारे वर्ड आज के इन एग्जांपल्स का लास्ट वर्ड है वू, वू वर्ड के अंदर हमारा डब्ल्यू कॉन्सोनेंट से हमने वे कॉन्सोनेंट आपको सिखाया है फ्रेंड्स, तो हम वे की आउटलाइन बनाएंगे और डबल ओ आ रहा है इसके अंदर, वे कॉन्सोनेंट है और डबल ओ से हमें टू के वोवल की पहचान पता चल रही है, तो हम वे की आउटलाइन बनाएंगे थ्रू दी लाइन, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमारे टू के वोवल के लिए आउटलाइन जो है थ्रू दी लाइन बनेगी, तो थ्रू दी लाइन हम आउटलाइन बनेंगे, तो ये हमने वे की आउटलाइन बनाई थ्रू दी लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। अब वोवल हमारा वे के बाद में आ रहा है, तो वे के बाद में हम थर्ड प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे, तो हम डार्क डैश लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये वर्ब फिर साउंड पढ़ेंगे ऊ तो ये वर्ड हो गया हमारा वू, ठीक है फ्रेंड्स। आज की हमारी ये एक्सरसाइज 5 नंबर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर। और अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वारीज है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे और आपको बताएंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी मौका मिले शॉर्ट हैंड सीखने का, शॉर्ट हैंड में अपना करियर बनाने का, क्योंकि शॉर्ट हैंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स हम सब के लिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हैंड में अगर मेहनत करेंगे तो हम शॉर्ट हैंड में अच्छे हासिल करेंगे, अच्छी कामयाबी हासिल कर पाएंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा शॉर्ट हैंड सीखें और औरों को भी बताएं इसके बारे में, औरों को भी अवेयर करें इसके लिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।